तो चलिए आज हम आपको लाए हैं माता जी की मूर्तियाँ कैसे बनती है ये दिखाने। ये देखिए ये मूर्ति अभी थोड़ी कंप्लीटेड दिख रही है, बाकी मूर्ति पर ज़्यादा काम हुआ नहीं है। इसमें कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, ये महिषासुर लाल बॉडी में दांत दिखाते हुए दिख रहा है, जैसे कि मौत आ गई है उसकी। ये मूर्ति अभी अपने अर्ली स्टेज में है, इसमें हाथों की शेडिंग का काम चल रहा है, भैया स्प्रे के थ्रू शेडिंग कर रहे हैं हाथों की। अब ये है काली माता का अद्भुत स्वरूप, इनके चरणों के नीचे ये दिख रहा है रक्त बीज का संहार करते हुए काली माता। यहाँ ये राक्षस पूरा कलर कर रहे हैं ब्लैक कलर का। यहाँ माता पार्वती के स्वरूप में दिख रहे हैं गणपति जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यह अष्ट हाथों वाली माता जी शेर पर सवार, फिर उनके पास में है ये महारानी स्वरूप में सिंहासन पर बैठे हैं। ये माता जी का रूप थोड़ा समझने का अच्छा 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 कमल है, ब्रह्मा रूप में है ये माता जी। तो इनके नीचे जो भैया बैकग्राउंड कलर पोत रहे अभिषेक और माता जी में तो कुछ कलर हो चुका है, बैकग्राउंड का जो पार्ट है उसमें कलर कर रहे भैया। ये बैल पर सवार गौरी माता का स्वरूप है जिसे उमा माता भी कहा जाता है। यहाँ पर माता जी के भव्य मुकुट को चिपकाने की तैयारी चालू, इसके बाद जो आगे खाली जगह दिख रही है वहाँ पर शायद बाल लगाकर माता जी का फेस कम्प्लीट किया जाएगा। यहाँ पर अब वस्त्र पहना रहे हैं, माता जी की साड़ी लगाई जा रही है। ये आँखों में रंग भरने का और शेडिंग करने का काम चालू है, फिर इसके बाद अभी मुख पर भी और काम बाकी है, ऊपर बाल वगैरह मुकुट का भी काम बचा है। जो शेर के आसपास बाल और दाढ़ी में लगते हैं पूछ में लगते हैं वो बाल है। ये एक बड़ी माता जी की मूर्ति है, उसके नीचे नौ स्वरूप के लिए नौ मुख वाली माता जी की मूर्ति दिख रही है।